नो, सिमरन को आज मूवी दिखाने ले जाना था, इस बार तो वो मुझे मारी डालेगी 100%। मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? ये फोटो देखकर उसे लगेगा कि तुम्हें बुखार है। I'm sorry, सिमरन, मैं तुम्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, पर मेरा विश्वास करो, मैं खुद तुम्हारे साथ वक्त बिताने की कोशिश कर रहा हूँ पर टाइम ही नहीं मिल रहा है। फिक्र इस बात की है कि मेरे साथ वक्त बिताने के लिए तुम्हें कोशिश करनी पड़ रही है। सिमरन, ट्रस्ट मी, मैं पूरे दिल से कोशिश कर रहा हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगा। ये कोई बिगड़ी हुई मशीन नहीं है जो ठीक कर दोगे, दिल है मेरा। अभी मैं यहाँ कैंपेन को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रही हूँ और तुम यहाँ लवर बॉय बन के बैठे हुए हो। नहीं स्वीटी, ये प्यार इश्क और मोहब्बत के चक्कर में फंस गया हूँ मैं। पता नहीं ये लोग एक दूसरे से प्यार कर कैसे लेते हैं, बोर नहीं होते? अरे चल जाएगा पता, अभी शेखर फोन कर रहा है, ये बातें बाद में डिस्कस करते हैं ना। हाय शेखर, कल कैंपेन का एड शूट है, तुम्हें जरूर आना है। गेट फिट डोंट क्विट नया कैंपेन शुरू होने जा रहा है, जिसकी एम्बेसडर है मिस स्वीटी। इनके इस नए फिटनेस प्रोग्राम को शहर के लोगों के द्वारा बहुत पसंद किया जा रहा है। आपकी बेटी को मिल रही पॉपुलैरिटी के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैंने उससे पिछले 2 महीने से बात नहीं की, घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी उसने। फालतू का नाच गाना लगा के रखा है उसने, कभी सोचा नहीं था कि वो ऐसी हरकतें करेगी, हमारी नाक कटा दी। अब क्या हो गया? माँ अब तक मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है, समझ नहीं आ रहा कि मैं उन्हें कैसे मनाऊं। अरे इसमें मनाना क्या है, उन्हें तो गर्व होना चाहिए तुम पर। स्वीटी, आजकल दूसरों के हक के लिए लड़ने वाले बहुत ही कम रह गए हैं। यू आर स्पेशल, हम सबको तुम पर गर्व है। अगर पहले ही मैं तुम्हें इतनी अच्छी तरह से जान लेता तो तुम्हारे मना करने के बाद भी मैं शादी के लिए हाँ कहता। क्या अभी ने मुझे प्रपोज किया है या कहीं मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, कहीं ये सपना। हाय। हाय। सॉरी, तुम्हें बताना भूल गई, अपने कैंपेन के लिए मैं और शेखर सेलिब्रिटीज को इनवाइट करने जा रहे हैं, मुझे जाना होगा। आई सी यू टुमारो, बाय। हे, ऑल गुड, कम। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। या तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, मुझे इस बात की बहुत खुशी है। तुम एक दूसरे से कैसे मिले थे अभी? अभी तुम्हें याद है तुम पहली बार मुझे कहाँ मिले थे? टॉयलेट के पास मिला था ये मुझे। It was so funny. पता है मुझे लगा कि ये कोई वॉलंटियर है, इसलिए मैंने इसे झाड़ू ही पकड़ा दिया। अभी बताओ ना। हाँ, जब मैं पहली बार स्वीटी से मिला था तब मुझे एक अजीब सा अपनापन सा लगा। अभी मैं स्वीटी नहीं, सिमरन हूँ।